आपको बता दें कि बीते काफी दिनों से ही खबरों में है अजय देवगन का एक स्टेटमेंट, जहां उन्होंने बात की थी अपनी बेटी के बारे में। दरअसल अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में बात की थी अपनी बेटी न्यासा के बारे में, जहां अजय देवगन ने कहा था कि उन्हें पसंद नहीं है कि उनकी बेटी किसी इवेंट में जाए या फिर पार्टीज में शामिल हो। यानी कि जैसे बाकी स्टार किड शामिल होते रहते हैं किसी ना किसी पार्टी में, तो वहीं अजय देवगन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनकी बेटी भी किसी पार्टी में शामिल हो। तो वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन और काजोल की प्यारी सी बेटी 15 साल की हैं और लाइमलाइट से थोड़ा सा दूर ही रहती हैं। लेकिन ये सभी स्टार किड्स हैं और लाइमलाइट अपने आप ही इन पर आ जाती हैं। तो वहीं इस बार काजोल की बेटी न्यासा खबरों में है उन्हीं के साथ स्पॉट होने को लेकर। जी हाँ, हाल ही में उतरी हैं रेड कारपेट पर पहली बार काजोल की बेटी न्यासा, जहां उन्होंने यानी कि काजोल ने खुद ही इस बात की जानकारी दी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए। जी हाँ, उन्होंने लिखा है माय लिटिल गर्ल विद मी ऑन अ रेड कारपेट फॉर द फर्स्ट टाइम। बता दें आप सभी को कि जहां उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है, तो वहीं ये पोस्ट काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर किया है। जानकारी देते चलें आपको कि काजोल उन एक्ट्रेसेस के लिस्ट में शुमार हैं जो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और आए दिन कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं। तो इसके अलावा भले ही इन दिनों बॉलीवुड से ज़्यादा फिल्में ना कर रही हूँ काजोल, लेकिन फिर भी कभी अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस काजोल की पॉपुलैरिटी आज देश और दुनिया में है और काजोल का मॉम का पुतला मैडम तुसाज म्यूजियम में आ चुका है। हालांकि ये पुतला सिंगापुर में लगाया गया था, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अपने ही स्टैचू की ओपनिंग के लिए सिंगापुर पहुंची काजोल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल रही और साथ ही साथ उनका वीडियो भी सामने आया। काजोल का मोम का पुतला गुरुवार को अनावरण किया गया और इस दौरान काजोल के साथ उनकी बेटी न्यासा भी मौजूद थी, क्योंकि काजोल ने अपने पुतले के साथ तो फोटो क्लिक कराई, साथ ही बेटी न्यासा भी इसे देखने के बाद कंफ्यूज हो गई। जी हाँ, ये वीडियो और फोटोज जमकर वायरल हो रहे हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।